गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वेलू राम, लोग मुझे प्यार से वेलू बुलाते हैं। मैं राजस्थान में रहता हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। रमीला चाची, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनकी उम्र 38 साल है, लेकिन वो अभी सिर्फ 30 साल की ही दिखती हैं। उनका रंग बहुत ही ज़्यादा गोरा है, देखने में कोई भी उसका दीवाना हो सकता है उनकी। ये बात तो है। मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ। जब चाची चलती है तो मेरा ध्यान बार बार उन्हीं पे होता है और हर बार उनके बारे में सोचते रहता हूँ। मेरे मन में बस यही चलता है कि कभी ना कभी चाची से जाकर दिल की बात कही दूँ, लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने किस्मत में जीवन भर सरहारता रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मन में एक ही इच्छा थी कि कभी तो उनसे बात करूं, दिल की बात बताऊं, पर लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना करता रहता कि कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिल भी जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। और कहते हैं ना, ईश्वर के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन भगवान ने मेरी सुन भी ली। उस दिन मेरे घर वाले रिश्तेदार के घर गए थे और मैं घर पर अकेला था। तभी मुझे अलमारी में अपनी फटी हुई कमीज दिखी। मैंने सोचा कि चलो रमीला चाची से सिलवा कर लाता। रमीला चाची के पास सिलाई मशीन है, लोग उनके पास कपड़े सिलवाने जाते हैं। मुझे तो बहाना चाहिए था। मैं उनके घर गया और फटी हुई कमीज सिलने को दे दिया। उन्होंने कमीज सिलकर दी तो कहा कि बैठ जाओ, अभी तो तुम अकेले हो, चाय पीकर जाना। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे चाय पीकर जाने के लिए बोला गया। मैंने कहा, नहीं चाची, आज घर पे कोई नहीं है, मुझे जाकर खाना बनाना पड़ेगा, चाय फिर कभी पी लूँगा। रमीला, अगर ऐसा है तो क्यों परेशान होते हो, मैं टिफिन भेज दूँगी, तुम्हें तो खाना बनाना ही भी नहीं आता। मैं, आप क्यों तकलीफ उठाऊँगी चाची, मैं खुद बना लूँगा। रमीला, अरे इसमें तकलीफ कैसी है, मैं तुम्हारी चाची हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोला, बस थैंक्स चाची। रमीला, ठीक है तो शाम को तुम्हारे लिए टिफिन ले आऊँगी। मैं घर चला गया और बस उनके आने का इंतज़ार करने लगा। आज तो जैसे मैं बस घड़ी ही देख रहा था, समय कटे नहीं कट रही थी, बस यही सोच रहा था कि आखिर कब आएंगी। मैं करीब 5 बजे से लगभग 15 से 20 बार घड़ी देख चुका था और इंतज़ार कर रहा था। फिर करीब 7 बजे करीब रमीला चाची टिफ़िन लेकर आई। मैंने कहा, चाची आप भी मेरे साथ खा लो। चाची, नहीं वेलू, मैं घर जाकर खाऊंगी, तुम आराम से खा लो। मैं, नहीं चाची, आपको मेरे साथ ही खाना होगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। चाची, अरे ऐसे नहीं खाएगा, मैं तुम्हें हाथ से खिलाऊंगी। ऐसे कहकर चाची ने खाने का एक कोड़ा उठाया और मुझे खिलाया। मैं जैसे ही खाया, मुझे मानो अमृत सा लगा। फिर मैंने भी एक कोड़ा उठाया और उन्हें भी खिला दिया कि आप भी खा लो। उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था, मैं उन्हें देख कर मुस्कुरा दिया। तो चाची बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो। मैंने भी समय और मुहूर्त सही देखकर कह दिया, चाची आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। चाची मुस्कुरा दी और अगला कोड़ा मेरे मुंह में देते हुए मुझे प्यार से देखने लगी। इस तरह एक दूसरे को खिलाते खिलाते हमने पूरा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर मैं फ्रिज से जूस का बोतल निकाला, 2 गिलास जूस भरकर 1 गिलास चाची को दिया, 2 गिलास मैं पी लिया। जूस पीकर चाची जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए ना, कुछ देर बाद जाएगा। उसने कुछ देर बैठने के लिए कहा। चाची, नहीं जाने दो वेलू, रात 9 बजे तक मेरे पति और बच्चे भी आ जाएंगे। मैं, आपके पति और बेटे कहाँ गए हैं। वो सब एक दोस्त के यहाँ
दावत पे गए हैं मैं, आपको क्यों, आप क्यों नहीं गए? चाची, मुझे अकेला रहना पसंद है तुम्हारी तरह। ये कहकर चाची मुस्कुराने लगी, मेरे पास बैठे हंसी मजाक करने लगी। मैं बार बार उन्हें ही देख रहा था। चाची बोली, क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? मानो अब मैं उस वक्त क्या बोलता कि हाँ करता तो हूँ, लेकिन वो आप हैं। अरे जनाब, मेरे मुंह से ये नहीं निकलने वाला था। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी शर्मा दी और नीचे देख मुस्कुराने लगा। उन चाची, शर्मा क्यों रहे हो, बताओ ना। मैं, हाँ एक है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। चाची, कौन है वो खुश नसीब? मैंने फिल्मी स्टाइल से कहा। पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। चाची ने आंखें बंद करी तो मैंने मोबाइल से उनकी एक पिक ले ली, उनकी स्क्रीन उनके सामने रख दी और आंखें खोलने के लिए कहा। चाची ने जैसे ही आंखें खोली तो आंख खुलकर देखकर चौंक गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, ये तो मैं हूँ। मैंने कहा, हाँ चाची, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कहकर मैं उनको तरफ प्रपोज कर दिया। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उनके मौन को सहमति समझा। उन्होंने आंखें बंद की तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा, वेलू तू बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे पति तो मुझे प्यार ही नहीं करते। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, चाची अब तुमको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको हर तरह से खुश रखूँगा। इतना बोलने पर वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगी। मैं भी समझ गया था। उन्होंने कहा, पर? मैंने कहा, पर वर कुछ नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं आपसे प्रेम तो करता हूँ, लेकिन ये प्रेम बस हम दोनों का मन का है, इसमें हमारा शरीर का कोई लेना देना नहीं है। चाची, मुझे पता है आपकी शादी हो गई है, लेकिन मैं तब भी आपको प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा मतलब बस इतना है कि मैं आपको देखकर खुश होता हूँ, मुझे आपसे बातें करने में अच्छा लगता है। चाची मेरी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सच बेलू? मैंने कहा, जी सच, मैं आपको सच कह रहा हूँ। दोस्तों, वो पल इतना खुश नसीब था, इससे ज़्यादा खुश नसीब पल शायद ही मैंने कभी व्यतीत किया था। मैं बस उनकी तरफ देख ही रहा था और वो मेरे तरफ। काफ़ी देर हो गई थी। मैंने कहा, अब आपको शायद जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ फिर कभी मिलूँगा। उसके बाद हम दोनों अक्सर फ़ोन पे बातें करते, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, लेकिन कभी पास ना आए, क्योंकि मुझे पता था कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और मैं कभी भी ये चीज़ बुरा नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा चाहता था कि उनके साथ मैं प्यार से रहूं। बस यही थी मेरी ज़िंदगी की एक दास्तां, जो मेरे साथ जब मैं 23 का था तब हुआ था। अभी तो कई साल हो गए हैं, पढ़ाई के सिलसिले में मैं अभी बाहर आ गया हूँ, लेकिन ये सब बातें मेरे दिल में आज भी हैं, इसीलिए ये कहानी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।